दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने जब कहा कि वो दो दिन बाद यानी मंगलवार को इस्तीफा देंगे और उसके बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, तो हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगी और ये तय हो गया कि आतिशी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा। उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, उस पोस्ट के जरिए उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। स्वाति मालीवाल का कहना है कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी, उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए राष्ट्रपति से दया याचिकाएं लिखीं। स्वाति मालीवाल का ये भी कहना है कि आतिशी सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है, भगवान दिल्ली की रक्षा करें। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। ये ट्वीट है स्वाति मालीवाल का, और उनके इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी भी उन पर अटैक कर रही है, पलटवार किया जा रहा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा तो पहुंची आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दे दें और भाजपा से कहें कि वो उनको राज्यसभा भेज दें। तो एक तरफ आतिशी के नाम पर मुहर लग गई, तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने एक नए विवाद को जन्म भी दे दिया और ये कह दिया कि आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए राष्ट्रपति को तमाम दया याचिकाएं लिखी थी, और अब जबकि आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो बहुत दुर्भाग्य है, दिल्ली के लोगों का भगवान भला करें। इस तरह से बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया।